दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ उपस्थित हैं मित्रों, जिसमें हम बुद्धि के बारे में पढ़े थे। आगे देखें इसमें हम दोस्तों कि नंबर एक, बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूलन करने की सामर्थ्य है। बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूलन करने की सामर्थ्य है, शक्ति है। बुद्धि की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? वेल्स ने दी, विलियम स्टर ने दी, टर्मन ने दी, हस्बैंड ने दी। किनने दी दोस्तों? विलियम स्टर ने यह परिभाषा देने का काम किया। आगे देखें मित्रों, इसमें सेकंड क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता माना है? बुद्धि से गत अनुभव को लाभ उठाने की योग्यता किन ने माना है? हेविंगहास ने माना है, थॉर्नडाइक ने माना है, दोनों ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किन ने माना है दोस्तों? हेविंगहास ने और थॉर्नडाइक दोनों ने माना है। निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुदाय है? किन मनोवैज्ञानिक के अनुसार है मित्रों? वेसलर के अनुसार, हस्बैंड के अनुसार, दोनों के अनुसार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये महत्वपूर्ण तथ्य इस याद रखने वाली बात है दोस्तों, वेसलर और हस्बैंड दोनों ने कहा है कि बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुदाय है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मित्रों, चौथा प्रश्न, प्रश्न को अच्छे से समझें। बुद्धि की प्रकृति में, मतलब बुद्धि की जो नेचर है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं सम्मिलित है? देखें मित्रों, तो नई परिस्थितियों से अभियोजनशीलता है, या गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, या अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या उपरोक्त सभी है। तो बुद्धि की प्रकृति जो होती है मित्रों, तो इसमें विशेषताएं उपरोक्त सभी, क्योंकि बुद्धि क्या करती है? नई परिस्थिति से अभियोजनशीलता लाती है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता लेके आती है, और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी वह अपने अंदर लेकर आती है। आगे देखें मित्रों, हम थॉर्नडाइक के बारे में देखें, तो थॉर्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है? हम ये देखें कि थॉर्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत मानता है? एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत, द्वय शक्ति सिद्धांत। यह मानता है थॉर्नडाइक बुद्धि का बहुशक्ति सिद्धांत के बारे में यह मानता है। आगे देखें दोस्तों हम इसमें, तो नंबर छह में, बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्नलिखित में से कौन सी है? बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्नलिखित में से कौन सी है? अकेली है, अनेक है, कई है, दो है। कैसी है दोस्तों बुद्धि? अकेली है। नंबर सात प्रश्न हम इसमें देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? इसमें कौन सा अनेक कारक मानता है बुद्धि के सिद्धांत में? एक शक्ति सिद्धांत, विविध सिद्धांत, बहुविध शक्ति सिद्धांत, द्वय शक्ति सिद्धांत। तो निम्नलिखित में से सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है विविध शक्ति सिद्धांत का। किसमें मानता है मित्रों? विविध शक्ति सिद्धांत का। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के विकास, बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करती है? बुद्धि की बुद्धिमत्ता जो होती है, व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता होती है मित्रों, व्यक्ति एक इंसान की बुद्धिमत्ता होती है, वह बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करती है? सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी जो व्यक्ति होते हैं सामान्य व्यक्ति होते हैं, तो वह सामान्य बुद्धि पर निर्भर करती है। आगे हम देखें नंबर नौ प्रश्न पे आ गए हैं मित्रों, तो व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है मित्रों? सामान्य बुद्धि पर, विशिष्ट बुद्धि पर, दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्ति की विशेष योग्यता, विशेष सामान्य अलग होती है, विशेष योग्यता जो होती है वह बुद्धि की विशिष्ट बुद्धि पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अनुवांशिकता, परिवेश, दोनों। अनुवांशिकता हेरिडिटी होती है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मिलती है, और परिवेश हमारे चारों ओर का वातावरण होता है मित्रों। तो यह दोनों ही निर्भर करते हैं मित्रों कि बौद्धिक विकास को प्रभावित किस प्रकार से हो, यह दोनों ही महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। आगे देखें मित्रों हम इसमें, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है हमारे सामने कि बौद्धिक विकास पर अनुवांशिकता का प्रभाव जानने के लिए कौन से अध्ययन किए गए हैं? बौद्धिक विकास पर अनुवांशिकता का प्रभाव जानने के लिए निम्नलिखित में कौन से अध्ययन किए गए? प्रजाति अध्ययन, पैतृक अध्ययन, दोनों। प्रजाति अध्ययन भी किए गए हैं मित्रों, और पैतृक अध्ययन भी किए गए हैं, जिससे हमको ये जानकारी मिली है कि बालकों में किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने मित्रों, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक बुद्धि को अनुवांशिकता पर आधारित मानते हैं? यकर्स, यूकर्स और क्लाइनबर्ग, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोनों हैं, यूकर्स और क्लाइनबर्ग दोनों हैं, दोनों ही अनुवांशिकता पर आधारित मानते हैं बुद्धि को। निम्नलिखित में से किस प्रजाति में बुद्धि अधिक मिलती है? किस प्रजाति में बुद्धि अधिक मिलती है दोस्तों? गोरी प्रजाति में, काली प्रजाति में, पीली प्रजाति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह
बुद्धि अधिक मिलने का कोई कारण नहीं बनता मित्रों, क्योंकि ना गोरी प्रजाति ज्यादा बुद्धिमान हो सकती, ना काली ना पीली, वह तो जो जिस प्रकार से बुद्धि को ग्रहण करता परिवेश के साथ वह उतना ही बुद्धिमान बन जाता है। या हम ये कह नहीं सकते कि गोरी और काली और पीली प्रजाति ही कोई बुद्धिमान हो। अगला प्रश्न है हमारे सामने मित्रों, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है? निम्नलिखित में से किसके अनुसार सृजनात्मकता बुद्धि सामान्य बुद्धि है? गेजल्स और जैक्सन, या वर्ट या वर्नन, या वालास और कोगन? किसके अनुसार है दोस्तों? वर्ट के अनुसार हमारी सामान्य बुद्धि है सृजनात्मकता। नंबर 15, किस मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता रखता है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन रखता है दोस्तों? बकिंगम के अनुसार, स्टर्न के अनुसार, टर्मन के अनुसार, या जलोटा के अनुसार? किसके अनुसार मित्रों? स्टर्न के अनुसार यह रखता है। नंबर 16 प्रश्न हमारे पास आता है, यह किसने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है? यह किसने कहा है दोस्तों बुद्धि सीखने की योग्यता है? पिंटनर ने कहा, पियाजे ने कहा, बकिंगम ने कहा, उपरोक्त में से किसी ने नहीं कहा। किसने कहा है दोस्तों? बकिंगम ने कहा है कि बुद्धि सीखने की क्या है? योग्यता है। नंबर 17 प्रश्न हमारे पास सामने आता है मित्रों, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, या जन्मजात वृद्धि, या परिवार की मांग, या कार्य जीवन की मांग? किसके लिए किया मित्रों? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के लिए यह पियाजे ने बुद्धि को समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है मित्रों, किस मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वही है जिसका की बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है मित्रों की बुद्धि वही है जिसका की बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं? वर्ट के, टर्मन के, एविंगहास के, या फ्रीमैन के? फ्रीमैन ने हमें बताया कि बुद्धि वही है कि जिसका की बुद्धि परीक्षण मापन में करते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न आता है मित्रों, प्रश्न क्रमांक 19 कहता है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का क्या एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? गिलफोर्ड के अनुसार, पियाजे, विने, थर्नडाइक? किसके अनुसार है दोस्तों? विने के अनुसार है कि बुद्धि एक कारक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित है। नंबर 20 क्वेश्चन हमारे सामने है मित्रों कि बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत किस किस किससे संबंधित है? थर्स्टन के अनुसार, थर्नडाइक के अनुसार, पियाजे के अनुसार, थॉमसन के अनुसार? बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत है पियाजे के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारे सामने मित्रों की समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा, थर्नडाइक के द्वारा, थॉमसन के द्वारा, पियाजे के द्वारा? समूह कारक सिद्धांत है मिस्टर दोस्तों थर्स्टन के द्वारा। अगला प्रश्न है 22 हमारे सामने है मित्रों की बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? एविंगहासन ने किया, या टर्मन ने किया, या विने ने, या बुंट ने किया? किसने किया मित्रों बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किया है? तो विने ने किया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने 23, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1819 में हुआ, 1905 में हुआ, 1916 में हुआ, 1937 में हुआ? 1905 में बुद्धि का सर्वप्रथम परीक्षण 1905 में हुआ मित्रों। आगे हम देखें प्रश्न क्रमांक 24, बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? मानसिक आयु का 1905 में, 1908 में, 1937 में, 1960 में? कब किया गया मित्रों बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु? 1908 में किया गया। अगला प्रश्न हमारे सामने 25 नंबर का है, इसमें देखें मित्रों बुद्धि, ऐसे बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाने जाते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है? निष्पादन बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, प्रक्षेपी बुद्धि परीक्षण, उपर्युक्त तो कोई नहीं? ऐसे बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाने जाते हैं जिनमें भाषा भाषा का हो? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आता है मित्रों। आगे हम देखें तो ड्रॉ ए मैन परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? ड्रॉ ए मैन परीक्षण है अलेक्जेंडर के द्वारा, कोह के द्वारा, गुडेनफ के द्वारा, या भाटिया के द्वारा? किसके द्वारा है मित्रों? यह है हमारा गुडेनफ के द्वारा, यह ड्रॉ ए मैन परीक्षण निर्मित है मित्रों। अगला है हमारे पास 27, आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? आर्मी बीटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इसमें देखें हम तो व्यक्तिक शाब्दिक या सामूहिक शाब्दिक या सामूहिक अशाब्दिक है? तो आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है दोस्तों, यह है हमारे पास आर्मी बीटा। तो दोस्तों यह जो सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है वह वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन एवं मनोवैज्ञानिकता से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं जैसे सीटीईटी एग्जाम या हमारे स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इन सभी में यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो प्रश्नावली जो सीरीज है मित्रों हमारे बालकों की बुद्धि विकास के लिए, पेरेंट्स के लिए भी अति आवश्यक सीरीज है, तो देखने का काम करें।
और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, धन्यवाद। जय भीम साथियों। हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे, तो जनगण मन में हाथ 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 हा